सिमी, करण युग को बोलना है डायरेक्टली ऑफिस पहुंचे। और ये रूही कहाँ है? वो रूही क्लाइंट मीटिंग में गई है। ओके, बैठो बैठो, मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग मणि, तुम यहाँ? मैं तो ऑफिस ही आ रही थी बस अभी। हाँ हाँ, मैं जानता था कि तुम निकलने वाली हो, इसलिए मैं आ गया। आओ ना, अंदर आओ ना प्लीज। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। नाश्ता कर ले पुत्र। नहीं नहीं आंटी जी, मैं खा के आया हूँ, थैंक यू। अच्छा ईशु अंकल जी, मैंने अपने कॉर्पोरेट इवेंट को यहीं बुलाया ताकि प्रोजेक्ट के लॉन्च पार्टी के लिए जो भी आइडियाज होंगे वो डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और फिर ईशु, वो जो हमारे सप्लायर्स के साथ मीटिंग है, we'll go for that from here। तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमारा टाइम कितना सेव हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में अरिजीत को भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना। हाँ, मैंने उन्हें फोन किया है, he's coming। I'm so excited। रमन का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। ग्रैंड ओपनिंग करेंगे हम इसकी। Exactly। और ये गेस्ट लिस्ट है, देखो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्यों यार, आप ऐसे क्यों चले आए अंदर? हाँ सिंपी पुत्र, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी ऐसी हालत में पार्टी की बातें सुन सकूं। मेरा रमन चला गया मुझे छोड़ के। मैंने मैंने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया, उसकी मौत का शोक भी नहीं बताया। देख तक ईशा की कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसको, जबकि मुझे ये सब कुछ हमारी अच्छाई के लिए ही कर रही है। मेरा भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है? क्या? थैंक यू। थैंक्स। बैठो ना हमारे साथ, तुम भी थोड़ा डिस्कशंस करो कुछ। और मम्मी जी सिमी कहाँ है? उनका भी होना जरूरी है। वो मुझे लगता है कि दवाई लेने के लिए गए होंगे। मैं वो लाके लाती हूँ। नहीं नहीं बैठो, मैं देखती हूँ। कठिन समय जो हम सबको साथ रह के बिताना है, और देखना हम सब साथ रहे ना तो ये समय भी कट जाएगा। रही बात भाई की, तो रही बात भाई की, तो तुम बहन होने का फर्ज निभाना। जब रमन भाई आएंगे ना तुम्हारे, उन्हें खूब डांट लगाना। मम्मी जी आई एम वेरी सॉरी, मैं जानती हूँ कि रमन ने इस बार सच में हद कर दी है, ना मैसेज ना फोन कॉल। पर ठीक है ना, आप भी अब नाराज हो जाना, बात ही मत करना उनसे। क्यों? तो चपेट लगाएगी ना अपने रमन भाई को इस बार। कैसे करेगी हम लोग? ओफो मम्मा, इशिता ना बिल्कुल ठीक बोल रही है। इस बार भाई आएंगे ना तो उनकी ना प्रॉपर क्लास लेंगे हम सब। ये कोई बात होती है? मतलब इतने दिन से गए हुए हैं और हमें किसी ने याद नहीं किया, और हम इतने बेवकूफ हैं कि यहाँ बैठकर उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कितने बेवकूफ है हम लोग कि यहाँ बैठकर हम लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। आई एम श्योर कि भाई जहाँ पे भी होंगे ना खूब मजे कर रहे होंगे वो, है ना मम्मा? हाँ सिमी, तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे ना मैंने देख लिया है, अक्का को और मम्मी जी को ना हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब सारा दिन हम घर पे रहते हैं लेकिन हमें कोई नहीं पूछता। आपको तो अक्का सिर्फ जीजू की ही पड़ी है। ये कैसी बातें कर रही हो मीका, तुमको कब इग्नोर किया, इतना तो प्यार करते तुमसे। अच्छा चलो, तुम सही कह रही हो,
अब रमन भाई की बात कम करेंगे और मीका को और सिम्मी को पैम्पर करेंगे फुल लॉन। और आंटी जी मुझे भी थोड़ा टेंशन दे दीजिए प्लीज, आजकल तो मेरी बीवी के पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। आज ही वो दिल्ली के बाहर गई है अपने किसी कॉन्फ्रेंस के लिए और मैं बहुत निग्लेक्टेड फील कर रहा हूँ। देखो मम्मी जी, सबके सब अटेंशन स्टाफ है यहाँ पे, सबको आपकी जरूरत है। ओफो, कैसे बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं और इशिता मिलकर तुम तीनों को पैम्पर करेंगे। थैंक यू। चलो मम्मी जी, आप लोग आ जाओ ना बाहर, अब वो इवेंट प्लानर भी आने वाला है तो पार्टी का डिस्कस कर लेते हैं। मैं जाके करण और युग को भी बुला लेती हूँ, तब तक मैं आ जाओ आप लोग। हाँ पुत्र। आ वाओ सिमी, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है तुमने। रियली? वैसे अपनी साउथ इंडियन भाभियों के साथ रह के सीख गई हूँ मैं। well said, हाँ। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ओपनिंग इवेंट के लिए हमें होटल एमरल्ड बुक करना चाहिए। ये अच्छा आइडिया है, हाँ ये ठीक रहेगा। और कोई प्लानिंग की है वो भी बता दो। हाँ वो अच्छा रहेगा। क्या? अरे मैं हूँ। क्या हो गया रूही? तुम दोनों ठीक तो हो? क्या हो गया रूही? आलिया तुम दोनों साथ में कहाँ से आ रहे हो? बोलोगे क्या हुआ है? क्या हुआ आलिया, कुछ तो बोलो क्या हुआ। मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो हम आ घर आ गए। हाँ वो मुझे भी बस्ती वालों के पास जाना था, वो कैंसिल हो गया। अरे मीटिंग कैंसिल हुई है तो ऐसे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? इतनी जोर से चिल्लाई, मेरा तो ऐसा कलेजा मुंह को आ गया था। क्या हुआ आलिया? बस्ती के लोगों को कुछ हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है? बताओ, हम चलते देख लेते हैं क्या हुआ है। कुछ नहीं। क्या हुआ रूही? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तुम दोनों ऐसे चीखी जैसे तुम दोनों ने लाश देख ली। क्या? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।